हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? आई होप आप ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। आप बोलते हो, कईयों ने मैसेज करे थे कि आंटी जी रिकॉर्डिंग की आवाज़ नहीं आती है। मैं तो वैसे ज़ोर से बोलती हूँ, पता नहीं आपको कम सुनती है, पता ऐसे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। आप मेरे प्रियांश को गलत मत बोलना कमेंटों में, क्योंकि प्रियांश मेरी बहुत हेल्प कराता है, मेरे से बहुत प्यार करता है, सबको ही प्यार करता है। प्रियांश लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। चलो कई बार हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बच्चे को तो, पर फिर भी वो बहुत प्यार करता है, गलत कभी भी नहीं बोलता। उसके बाप ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है उसको, जो दीपक थे वो अच्छी शिक्षा देते थे उसको। और पता आपको कितना उसको फील होता है जब उसकी नई नई आइडिया बना के उसकी फ़ोटो लगा के कमेंट करते हैं। एक तो इतने कमीने इंसान आ, किसी ने उसके फेक चैनल बनाया। और जो मेरी कल वीडियो थी ना, बैक में नन्नू और ये स्थानी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, पीछे एक क्लिप थी जो उसके वीडियो में उसके नाम का चैनल बना के प्रियांश का वो क्लिप डाली हुई थी, वीडियो डाली हुई थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी और ब्लॉग बना के वो वीडियो पे ब्लॉग करा हुआ था, ब्लॉग बनाया हुआ था। कितना गलत बात है, ऐसे कमेंट, ऐसी वीडियो पे मैं स्ट्राइक मार दूँगी। जिसने भी बनाया मैंने स्ट्राइक दे देनी है। मेरे चैनल पे से उठाई गई हैं वो क्लिपें, ठीक है? अगर मैं स्ट्राइक मार दूँगी तो आपका चैनल उड़ जाएगा, जिसने भी बनाया, नहीं तो अभी से अभी डिलीट कर दो। क्या फ़ायदा उस चैनल पर स्ट्राइक आएगी? मेरी वीडियो के ऊपर ही कमेंट करने थे क्या? मेरे से क्या दुश्मनी है? ठीक है, जिसने भी बनाए हैं ना वो डिलीट कर दो, जो भी क्लिपें डाल रखी हैं शॉर्ट वीडियो बना के, उसकी फेक आईडी बना के प्रियांश के नाम की, उसकी फ़ोटो लगा के, उसकी फ़ोटो गलत उठा के लगाई हुई हैं, ठीक है? वो बच्चा इतना कमेंट कर सकता है? लक्ष्मी की दुनिया जो है उसके भी ऊपर कमेंट करे हुए थे इस आईडी से, प्रियांश की नाम की आईडी से, ठीक है? प्रियांश तो ऐसा गलत काम ना ही करता है, ना ही उसको इतने कमेंट करने आते हैं, ठीक है? पढ़ जरूर लेता है पर उसको इतनी है नहीं, उसको तो सिर्फ गेम खेलन का है। ऐसे ऐसे गलत कमेंट तो मत करो, ना ही उसकी वीडियो बनाओ कोई। प्रियांश इतना अच्छा है, घर का काम भी मेरे साथ करवाता है मिलजुल के, ठीक है? पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद वो ट्यूशन जाता है। शिक्षा आप बोलते हो कमेंटों में कि उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे रखी, क्यों नहीं अच्छी शिक्षा देते? जब हम अच्छे हैं तो हम अच्छी शिक्षा देंगे बच्चे को, वो मेरे पास रहता है, ठीक है? अपनी मम्मा के पास नहीं रहता। अगर हम अच्छे नहीं है तो हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। ऐसे गलत मत कमेंट करा करो, कमेंट क्या, ऐसी वीडियो मत डालो। वो छोटी मेरी वीडियो से उठा उठा के क्लिप पे उस पर डाली हुई हैं। मैंने अगर चैनल वो डिलीट नहीं करा तो मैं इस चैनल पे अपने चैनल से मैं स्ट्राइक दे दूँगी। मैं अभी भी वार्निंग देती हूँ कि वो उसको डिलीट कर दो। मैंने सुबह वाली वीडियो पे भी यही बोला था कि वो प्रियांश नहीं है, प्रियांश की फेक आईडी से बना बना के प्रियांश की फ़ोटो लगा के कमेंट करे हुए हैं। उसके बाद में कमेंट करे, उसके बाद में उसका चैनल भी बना लिया, चैनल पे मेरी वीडियो से उठा के क्लिप पे उस पे डाल दी। क्या उससे चैनल ग्रो हो जाएगा आपका? कि उससे चैनल चल जाएगा? बच्चे की बद्दुआ कहाँ लगेगी आपको? एक बच्चा इतना प्यारा है, ठीक है? एक तो ऊपर से उसका बाप का साया उठ गया था, वो इतनी टेंशन में हो गया था, अब थोड़ा सा वो खेलने कूदने लगा, अभी ठीक हुआ, वो बीमार रहता था। अगर उसको कुछ हो गया तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा आपको। अभी मैं करने लगी हूँ सफाई, कपड़े कपड़े मेरे धुल गए हैं, मैं करने लगी हूँ सफाई। सुबह मैंने कपड़े धोए थे तो मेरी क्लिप बच गई थी, मैंने इसी में डाल दी। फिर मैंने वैसे तो मैंने डिलीट मारी थी, मेरे से डिलीट हुई नहीं, क्योंकि एडिटिंग में को अच्छी तरह आती नहीं है, जितनी करती है मैं उतनी के कर लेती हूँ। और आप बोलते हो आंटी जी कैमरे की तरफ देखती हूँ, भाई मैं देखती हूँ कभी मेरा मोबाइल ना गिर जाए स्टैंड से, मैं इसलिए देखती रहती हूँ कि मोबाइल तो मेरा सही लगा हुआ ना, कभी मेरा मोबाइल गिर जाए कैमरे से, पानी में स्लिप हो जाए, इसलिए मैं देखती हूँ। क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता वीडियो शूट, थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ जितना को मेरे को आता है। अब मैंने सफाई करी नहीं थी आज, करी, बारिश भी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह से बारिश पड़ रही थी, तो अभी बारिश हटी है, अभी मैं करने लगी हूँ सफाई। और चदरे चुदरे तो मैंने सुबह मॉर्निंग में बिछा ली थी। आपको मेरी चदरें कैसे लगती हैं? क्योंकि चदरों का काम कंचन करती है, वो सेल का काम करती है, सेलिंग का। मेरे तो सूट थे, जो सूट मेरे बिक गए हैं, अभी आप बोलोगे तो मैं नए लेके आऊँगी, आप नहीं बोलोगे तो मैं नए लेके आती, ठीक है?
उससे थोड़ा बहुत मेरा खर्चा पानी निकल जाता था सूटों से। मैं ज़्यादा तो नहीं कमाती थी, चलो थोड़ा थोड़ा कमा लेती थी। आज है शनिवार, मैंने मंदिर में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि शनिवार को मैं गद्दी लगाती हूँ। आपको सबको ही पता मैं माता को मान के मानती हूँ और गद्दी लगाती हूँ। मैं माता को भी मानती हूँ, मैं बापे को भी मानती हूँ, ठीक है। मैं सबको, मेरे लिए सब एक है। और शनिवार का दिन है, मैं पूजा कर रही हूँ, नहा धो के काम मेरा ख़त्म हो गया था। उधर से नन्नू मांग रहा था, कहता मम्मी आज पकौड़े बना के दे, पकौड़े बना के दे। मैं कहा थोड़ी देर रुक जा, मैं ना अपना काम कर लूँ, पहले पूजा पाठ कर लूँ मैं। और अगरबत्ती से ना मेरी आज धूप ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लाना भूल गई थी मैं धूप, तो अगरबत्ती रखी थी। मैं कहा चलो अगरबत्ती जला देती हूँ आज, धूप मैं बाद में लेके आऊँगी। मैं धूप से ही पूजा कर ली आज, जोत जला के। उसके बाद में मैं देखो, जो भी इस गद्दी से जो भी मांगता है ना, वो ही मिलता है। सच्चे मन से आप भी मानोगे, मांगोगे जो, वो ही मिलेगा। आप चाहे दूर बैठे हो चाहे नज़दीक बैठे हो, दिल में अपने इच्छा मान के भी जो भी मैंने इच्छा पूरी हो जाए मेरी, जो भी मांगोगे आप, वो ही पूरी होगी। आज शनिवार का दिन है, मेरी गद्दी से गद्दी की इतनी वो है, मेरे मंदिर में जो भी सच्चे दिल से मांगता है वो ही मिलता है, ठीक है। मंदिर के दर्शन कर लो आप, जोत मैंने जला दिया, जोत के भी आप दर्शन कर लो। मंदिर की मैंने सफाई करी थी कल, पूरा मंदिर, सावन का महीना था तो मंदिर का मैंने पूरी सफाई करी। सफाई की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, उधर से प्रियांश भी आ गया था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, और ये मैंने बाद में शूट करा। पूजा के बाद जब आया मैंने कैमरा रख दिया था, तो नन्नू भी, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी, प्रियांश की छुट्टी जल्दी हो गई थी, उधर से कंचन भी आ गई थी। तो नन्नू बोलता मम्मी मुझे पकौड़े बना के दो, मैं कहा चलो ठीक है, घर में आलू पड़े हैं तो आलू से पकौड़े बना देती हूँ। मैं कहा स्नैक्स से बना लेती हूँ, बेसन भी घर में पड़ा था, मैंने कोफ्ते बनाए थे मॉर्निंग टाइम, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेसन भी पड़ा है, आलू भी पड़े हैं, चल मैं इसी से स्नैक्स से बना देती हूँ नन्नू को। नन्नू को हर एक चीज़ तली हुई पसंद आती है, चाहे परौंठे होए, चाहे पूड़ी होए, चाहे पकौड़े होए, प्रियांश इन चीज़ों को तो खाता नहीं है। और मैं कहा चल इसके लिए बना देती हूँ, तीन चार आलू ले मैंने धोए, उसको बारीक बारीक काटा, बेसन भी घर पे पड़ा था वो ही डाल दिया, नमक मिर्च डाल दिए उसमें, अच्छे से मैंने मिक्स करके। तो उधर मैंने फ्राई पैन में जो मेरा पूड़ियों का बचा हुआ था रिफाइंड, वो ही मैंने डाल दिया, डाल के मैं गैस पे रख देती हूँ। बचा हुआ था वो, मैंने सोचा भी चल वो बचा हुआ उसी में मैं फ्राई कर देती हूँ। और मिक्सर बना के मैंने ना रिफाइंड में निकाल दिया पकौड़ों को। उधर प्रियांश का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी मैंने प्रियांश को, ट्यूशन गया हुआ प्रियांश, प्रियांश को लेने जाना है। आप मेरी वीडियो को अब सपोर्ट करना छोड़ दिया दो दिन से, क्या हो गया आप मुझे कमेंट में बताना कि आंटी जी ये बात है, हम वीडियो नहीं देखते इसलिए नहीं वीडियो देखते हैं। मेरे को जितनी आती है मैं उतनी की शूट करती हूँ, आपको पता ही एडिटिंग में अब मैं ही करती हूँ, रिकॉर्डिंग में अपने आप लगाती हूँ, सब कुछ मैं अपने आप करती हूँ। पहले मेरे को नहीं आती थी तो मैंने सबसे पहले यही सीखा, आप बोलते थे आंटी जी सीख लो, नन्नू से सीख लो, नन्नू को सिखा दो। भाई मैं नन्नू को तो सिखा नहीं सकी, मैंने खुद ही, मैंने जो काम मैंने आप ही सोचा भी, जो मैं दूसरों को दूसरों से करवाती हूँ इसलिए मैं आप क्यों ना सीख लूँ, जो नन्नू को सिखाऊंगी पहले नन्नू की मिन्नतें करूँगी, नन्नू तू आप मेरा ये काम कर दे, इससे अच्छा तो मैं आप ही सीख लूँ जितना करता है। अब मेरे को एडिटिंग करनी भी आ गई, अपलोडिंग पे भी मैं अपने आप लगा लेती हूँ, सब काम मैं कर लेती हूँ। सर यूट्यूब से मैं ये बोलती हूँ ऐड कंचन तू लगा दे, वो ये काम तू कर दे, वो कहती आस्ते आस्ते मैं ये भी सिखा दूँगी। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इतना काम आ गया, चलो वो भी आ जाएगा, वो भी सीख लूँगी। आप मेरा पूरा पूरा सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ सकूँगी। आपने कल दो दिन से मुझे, मेरे व्यू भी कम हो गए हैं, मेरे को सपोर्ट करना छोड़ दिया। आप ज़रूर बताना कमेंटों में कहाँ पे कमी पेशी थी, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था, अगर एडिटिंग में कोई कमी आ जाएगी तो मुझे बता देना, ठीक है। एक ने बोला था कि आप कैमरे की तरफ देखते हो, कमेंट देखा था मैंने वो, भाई मैं मोबाइल गिरने से डरती हूँ, कभी मोबाइल मेरा गिर ना जाए, मैं इसीलिए देखती रहती हूँ, क्योंकि एक बार चीज़ ले जाती है दोबारा दोबारा तो जल्दी से ले नहीं जाती। आपको तो पता ही है घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है, तो मैं नए नए मोबाइल कहाँ से लूँगी, ठीक है। इसलिए देखती रहती हूँ कि स्टैंड से कभी मेरा मोबाइल ना गिर जाए, क्योंकि मेरा मोबाइल ना थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो मोबाइल तो ठीक है, वो स्टैंड है ना जो, वो हिलता रहता है, इसलिए मैं बार बार देखती हूँ कहीं मेरा गिर ना जाए मोबाइल। लो जी मेरे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, बारिश का मौसम है, जिसने भी खाने हैं आप खा लो, सबके लिए हैं।
अब मैं ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ी चीज़ बनाती हूँ भाई। और देखो नन्नू भी आ गया, नन्नू के लिए बन गए पकौड़े। और नन्नू हो जाता है गर्म, ऐसी ऐसी चीज़ बनती है। और आपके आप भी खाओ, मौसम बहुत बारिश का अच्छा है, आप भी सही है पकौड़े और नई नई चीज़ें बना, नई नई चीज़ें बना के खाया करो ना। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए पकौड़े गर्मा गर्म आ चुके हैं, पकौड़े बन के रेडी हैं, क्योंकि बाहर के तो मंगाए नहीं, घर पे बना लिया मैंने। मैंने सोचा चलो आलू पड़े हैं, बेसन पड़ा है, घर ही बना देती हूँ इनको, बच्चों को। प्रियांश खाता नहीं है और नन्नू खाता है, नन्नू मांगता है, मैं कहता नन्नू घर पे बना के देती हूँ तेरे को।